प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के मानसिक अभिरुचि के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मानसिक अभिरुचि से कुल 22 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 22 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा मानसिक अभिरुचि की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मथुरा, वी ए फिरोजाबाद, सी ए कानपुर, डी ए लखनऊ। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ना, ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुई थी? 1930 से 1940, वी है 1940 से 1950, सी है 1950 से 1960, डी है 1960 से 1970। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति वर्ष 1960 से 1970 के बीच में हुई थी। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इनमें कौन सा कथन गलत है? जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है, वी है जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूलन नहीं होगा, सी है जनहित मानवाधिकारों का समर्थन नहीं करता है, डी है जनहित सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ नौका विहार लाइफ जैकेट के साथ यात्रा करने गए हैं, और वहां आपने देखा कि एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसकी मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाएंगे, बी है नाव सहायक को उस लड़की को मदद के लिए कहेंगे, सी लाइफ जैकेट को पहनकर नदी में कूद जाएंगे और लड़की को नाव की तरफ लाकर बचाएंगे, डी है नाव सहायक को नाव को वापस मोड़ने के लिए बोलेंगे। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। लाइफ जैकेट को पहनकर नदी में कूद जाएंगे और लड़की को नाव की तरफ लाकर बचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मान लीजिए कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसे किसी दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है, आप क्या करेंगे? आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे, वी है सिर्फ घटना की सूचना टेलीफोन द्वारा पुलिस को देंगे, सी है आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे और आप उसके परिजनों को सूचित करेंगे, डी है आप दूसरों से घायल को अस्पताल में ले जाने को कहेंगे। मान लीजिए अगर आप कार्यालय जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई पड़ता है, किसी दुपहिया वाहन ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी है और वो व्यक्ति घायल हो गया है और तड़प रहा है, और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप घायल को अस्पताल ले जाएँ और उसके परिजनों को सूचित करें, ये आपका कर्तव्य बनता है एक नागरिक के तौर पे। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रश्न क्या है, मान लीजिए आपको एक सूचना प्राप्त होती है
कि आवासीय क्षेत्र में जुए का अड्डा चल रहा है, उचित प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए कि आपके आवासीय क्षेत्र में जुआ खेला जा रहा है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इसे नज़रअंदाज करना, क्योंकि यह कोई अपराध नहीं है। बी है, आपराधिक गतिविधि को पुष्टि करने और गिरफ्तारी करने के लिए स्थान पर जाएं। सी, निवासियों को स्थिति को स्वयं संभालने को सलाह देना। जुए के अड्डे को शिकायत की सूचना देना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं, देखिए अगर आप जुए का अड्डा आपके आवासीय में चल रहा तो आपराधिक गतिविधि की पुष्टि करने और गिरफ्तारी करने के लिए स्थान पर जाएं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचारहीन दिन कैदी मामला। लिली थॉमस, इंदिरा जयसिंह, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, हुसैनारा खातून। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट का कौन सा अर्थ सही है? प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, वी है प्रत्येक व्यक्ति को रहने का घर मिले, सी है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, डी है जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। जनहित पब्लिक इंटरेस्ट का क्या अर्थ है? जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आप तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ए, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। वी, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। सी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक प्रक्षेपक रखना चाहिए। डी, क्षेत्राधिकारी सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। तो वी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, वी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सी है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, डी है शासन द्वारा गठित कमेटी। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, दसवां क्वेश्चन देखिएगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीर के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। वी है, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या करना चाहिए? नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो वी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। वी है, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। सी है, इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। डी है, प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के जनहित की है?
घरेलू हिंसा, सार्वजनिक आग, यातायात दुर्घटना, स्थानीय विरोध, कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के जनहित की है यह आपको बताना है। सार्वजनिक आग ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुगज 13वां सॉरी अगला प्रश्न देखिएगा, नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपको एक राजनेता का फोन आता है कि किसी विशेष घटना के लिए प्राथमिकी दर्ज ना करें, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक कॉल काट देंगे और उसे अनदेखा कर देंगे, वी है अपने सहयोगियों से सुझाव मांगेंगे, सी FIR दर्ज करेंगे और न्यायपालिका द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ने देंगे, डी है डर जाएंगे और FIR दर्ज नहीं करेंगे। क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, FIR दर्ज करेंगे और न्यायपालिका द्वारा प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई क्या होगी? बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, बी है जनहित के लिए कानून की अवहेलना का नज़रअंदाज करेंगे, सी है कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे, डी है पर मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे और जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कार्यों की रक्षा की जा सके। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं लेकिन पेपर में प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आप एक पुलिस RC के रूप में तैनात हैं, एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, आप ऐसी स्थिति में क्या सोचेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में आपको आप क्या सोचेंगे यह पूछा जा रहा है। आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मान लीजिए आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है, इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? ए अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करना, बी है अपने बॉस का मुकाबला करना और उस पर पक्षपात का आरोप लगाना, सी गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना, डी है अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगना। अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आप रात को सिनेमा देख कर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गुंडों से कहते हैं कि वहाँ से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें, वी आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, सी आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए, डी आप चुपचाप देखते हुए निकल जाएंगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस समिति का गठन कब हुआ था, सॉरी कहां पर हुआ था? स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन केरल राज्य में हुआ था, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सुगज 20वां क्वेश्चन हमारा है, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किसी अधिकारी का कर्तव्य होता है? पुलिस महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक। पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किसी अधिकारी का कर्तव्य होता है? सहायक उप निरीक्षक, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किसमें रखना होगा? गिरफ्तारी वारंट, अपराध रिपोर्ट, सर्च वारंट, जनरल डायरी।
किसमें रखना होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल डायरी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं, बी है उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, सी सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं, डी है उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहें। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।